नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम दिखा रहे हैं जो ये आपको मिट्टी का दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो होते हैं सांप रहते हैं, ये सांप का घर होता है। जैसे हम घर बनाते हैं वैसे ही सांप अपने लिए घर बनाता है, और जितना बड़ा होता है सांप उतना ही बड़ा होता है, इसके अंदर बिल के अंदर रहता है। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जो पहाड़ों में, पहाड़ी इलाके में दिखते हैं। जहाँ पर आप देखिए, आपको ऐसा घर दिखता है जंगल के अंदर, तो समझ लो कि 100% उसके अंदर सांप रहता है। तो सांप अब भी अपने लिए घर बनाता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इन झाड़ियों में सांप ने कैसे अपने लिए घर बना रखा है। देख सकते हैं, इसको कहते हैं बामी, जो डोगरी भाषा में कहते हैं इसको बामी कहते हैं। तो जहाँ भी ये बामी होती है वहाँ पर सांप का अपना घर होता है, सांप इसके अंदर रहता है। देख सकते हैं मिट्टी का होता है, ऐसे होता है। और इसके अंदर जो भी सांप रहता है वो किंग कोबरा होता है, ये किंग कोबरा का घर होता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये आपको मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ, किंग कोबरा हाउस। तो दोस्तों, जंगल के अंदर आपको कहीं भी ऐसा मिट्टी का बना हुआ मिलता है तो 100% उसके अंदर किंग कोबरा रहता है। आप गौर से देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है, 4 फीट का हो सकता है, 15 फीट का हो सकता है। यहाँ पर जो सांप होते हैं बहुत भारी भारी होते हैं, और ये पहाड़ों में जो रहने वाला होता है वो ज़्यादातर जो नस्ल पाई जाती है वो किंग कोबरा की पाई जाती है, और ये बहुत जहरीला होता है जिसके काटने से मनुष्य उसी समय मर जाता है। तो दोस्तों, आप लाइव देख रहे हैं किंग कोबरा हाउस, किंग कोबरा स्नेक हाउस। आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, ये पूरा मिट्टी से खड़ा कर रखा है, ना कि ये कोई पेड़ है। कहीं भी दिखता है तो आपको इसके नज़दीक भी नहीं जाना है, दूर ही रहना है, क्योंकि इसमें हो सकता है किंग कोबरा भी बैठा हो तो आपको खा ले, तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। ये तो आपको मैं इसमें लाइव दिखा रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है वो इसमें देख सकते हैं वीडियो में कि स्नेक का जो हाउस होता है वो कैसे होता है, कैसे ये घर बनाता है अपने लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।